ये ग्राम तरा भिभिया में जवान सिंह जी के यहाँ पे, विनोद सिंह जी के यहाँ पे ये सर्प आया हुआ था। तो ये गर्रावाद रोड पे मकान और कुआ के ऊपर ये सर्प आया हुआ, तो इसको कोबरा नाग कहते हैं। ये कोबरा नाग आदमी को, गाय भैंस को, किसको काट ले तो 8 से 10 मिनट की अवधि में ख़त्म कर देता, क्यों भगवान के रहे मेहमान बना लेता है, क्यों इसके अंदर जहर बहुत होता है, इतना जहर है इसके अंदर के एक बार में 15,000 आदमी ख़त्म कर दे, एक आंसू का बूंद गिरे एक आदमी को काबू कर लेता। आका लिल्ली पड़ जा, हूणा कोनी, बोली बंद भी जा, और उन्हें दिखते तो को बंद भी जा, और 10 मिनट के अंदर 8 मिनट के अंदर काबू करके मेहमान बना लेता है। लेकिन ये असली नाग है, ये कोई घर का देवता है जाना, ये तो फोड़ा नहीं पाड़े, नुकसान नहीं करे, पर देखवा दी तो सब लोग डरे, तो डर लगे कि यार अपने कूड़ा पर हाँफे जानवर है, रातें धन्य कोई हरे परे तो मकानी हो धन्य, सांप भी याद रहे ना, सब यूँ रहे, तो डर लगे न। डर की सच्ची बात है, काटने के बाद में फिर आदमी नहीं बचता, और आदमी के कभी ऐसा हो जाए तो मेरे फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाने में मैं मंत्र हूँ, उनसे राहत मिलेगा और उसकी डेट नहीं होगा, कान के मेरे फ़ोन रखो, वो मेरा मंत्र सुन लेगा 5 मिनट तो उसको आराम मिल जाएगा। बस देवरा भी ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, देवरा में जाओगे अस्पताल जाओगे तो भी कान के मेरे फ़ोन रहेगा तो उन्हीं आदमी को राहत मिलती रहेगा, वो आदमी की डेट नहीं होगा। तत्काल फ़ोन लगाओ, जैसा काटने को बाद कीटामों की दवा वो ही मैं खिलाऊँ मंत्रों का, और मंत्रने के बाद में कभी कोई आदमी गरीब होगा, झोंपड़ी बांधी ने बिल तुम्हारा कुछ भी रहेगा कि उनसे ये काम नहीं होता है, उस पास पैसे नहीं है, 5-10 हज़ार 20-25 हज़ार का खर्चा होगा तो मैं दूँगा, वो पैसा वापस नहीं लूँगा उनसे, उसकी मदद मेरी होगा वहाँ तक मैं करूँगा, और काटने के मंथनने के दवा पिलाने के कोई पैसा नहीं लगेगा, मेरा गाड़ी का खर्चा कोई नहीं लूँगा उनसे, और उसकी मदद करूँगा, पकड़ूँगा वही पैसे लूँगा 800 रुपया, वही धुआँ के नाम में लगता है, नारायण के नाम का धुआँ चलता है, वहाँ 2,000 का खर्चा होता है, उसमें ही लगता है, क्योंकि ये जानवर देखने वाला वहीं खड़ा रह के फ़ोन लगा देगा तो मैं 4-8 घंटे से जाऊँगा, वहीं से जानवर कहीं नहीं जाएगा, एक खूबी तो ये रहेगा, और दूसरी बात ये रहेगा कि जो मुँह हरी भरी को डर से हमारा पग लग गया वहाँ जानवर 12 महीना थी तारीख की तारीख तक सांप हो गया चित्ती नागिन रुकेगा को नहीं डबेगा को नहीं आगे, और अन्य जानवर ने मुँह जहाँ छोड़ूँगा यो जानवर कहीं दिशेगा को नहीं नसंग, और यो जानवर जीवेगा जहाँ तक की कण के मुंडो नहीं लगा होगा नसंग डेट नहीं कर सकेगा, हमारे हाथ लग गया, और इसको रातें भी दिखे और दिन को दिखता है, क्योंकि इसकी पलकें नहीं मिचाती, हमेशा खुली ही रहती है पलकें, पानी हो गर्मी हो ठंड हो सेन हो अना ने कांटा में फेंकी तो कांटो नहीं पाएंगे, ऐसी नरम चामड़ी आनाएगी बहुत मुलायम है, लेकिन गुण आपी करना नारायण नहीं करे, कभी गलती नारायण दी नहीं हुई आपा दी भी जाए, पर नारायण को नाम रखी लो, काटे वाणी आदमी के पास में कारा पेंट वाला कारा कपड़ा वाला दारू मांस मदिरा खाने वाले ये दुष्ट लोग नहीं आना चाहिए, और ऐसी वैसी औरत नहीं आना चाहिए, जाओ बाल होके ही रहेगा, मेरा मंत्र एक आवाज़ सुन लेगा तो वो जिंदा ही जिंदा रहेगा। तो मेरे फ़ोन किया, मैं आया हरिओम आश्रम से, और आकर के मैंने पकड़ा ये कोबरा नाग, 5-7 फीट लंबा है अच्छा, और इसका भोजन है मेंढक और चूहा, अभी कुछ नहीं खाया इसने, इसके पेट में इसका भोजन है मेंढक और चूहा, और गोइरिया का भोजन है छिपकली, वो छिपकली खाता है, और सांप खाता है मेंढक और चूहा, अपन जाना कि नारायण ये भी मांस खाते हैं, लेकिन ये मांस कौन सा खाता है वो मांस की मालूम नहीं पड़ती,
ये हर आदमी मांस खाता है, बकरा काटते हैं, बकरा काटने के बाद में उसको मार के खाता है, वो मरे हुए मुर्दे को खाता है, ये जिंदा ही निगलता है। नारायण कभी मरे हुए को पास में मुँह नहीं लगाता, देखता भी नहीं, ये मरे हुए को मुर्दे के खाते हैं सब लोग, ये जिंदा ही निगलता है, एक सांस में अंदर खींच लेता है, वो मरने का जीने का काम उसके अंदर होता है, इसका आहार ही यही है। तो मैं आया हरिओम आश्रम से और पकड़ा, मेरे हाथ में है, मेरा नंबर है 990-735-2633 और यूट्यूब के ऊपर चैनल चलता हरिओम गुरुदेव बोलोगा, उसमें मेरा कार्ड आएगा, नंबर आ जाएगा, उसमें मैं कोलकाता तक रहूँगा और फ़ोन से ही काम हो जाएगा, कांटे मिले तो फ़ोन से काम हो जाएगा। दूसरा नंबर है 3631-1216।